नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके चलेंगे, सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया है संविधान का अपमान, राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भड़के। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों स्पीकर के खिलाफ आने जा रहा है क्या अविश्वास प्रस्ताव, इसको लेकर के अपडेट आ रही है। तीसरी बड़ी खबर में दोस्तों बताएंगे आज सीजीआई का है लास्ट वर्किंग डे, ताबड़तोड़ बड़े फैसले सुनाएंगे सीजीआई, इसको लेकर के भी खबर बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि झारखंड में जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली है। एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा, खबरों में पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार के विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन होने जा रहा है, तो अभी एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूरी कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, आज है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे, एएमयू मामले पर ले सकते हैं ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ का एक आज यहां पर कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है या फिर नहीं। इस बेंच की अध्यक्षता यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। आज यानी कि 8 नवंबर को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे है। ये यहां पर दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के अपडेट आई है। आप लोग डीवाई चंद्रचूड़ के सीजीआई के तौर पर कार्यकाल को दोस्तों 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में बंपर वोटिंग जारी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है। अब तक 52,186 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यहां पर दी है। दोस्तों के रवि कुमार ने बताया कि चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों से 2,02,271 फॉर्म 12 मिले हैं। इसमें से यहां पर 1,13,588 पोस्टल बैलेट जारी किए जा चुके हैं और इनमें से 52,000 से भी ज्यादा लोगों ने वोटिंग कर ली है। दोस्तों ये यहां पर देख सकते हैं कि 2,00,000 से अधिक पोस्टल बैलेट से वोटिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों ये यहां पर पोस्टल बैलेट से पहले वोटिंग हो रही है कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगी है। दोस्तों इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से भाजपा पर हमलावर, फडणवीस ने संविधान और बाबा साहेब का अपमान किया है, महाराष्ट्र की जनता चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी, राहुल गांधी बोले। आखिर मामला क्या है बताते चले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया और कहा कि उन्होंने संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इस चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। और आप लोगों को बताते चले कि राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान लाल रंग के कवर वाले संविधान के संक्षिप्त संस्करण को प्रदर्शित करते रहते हैं। नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में संविधान के प्रतीक को प्रदर्शित किया और एक बार फिर से जाति जनगणना की वकालत की, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है। जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने हाथ में लाल किताब लेकर के शहरी नक्सलियों और अराजक तत्वों से समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों संविधान की किताब यहां पर राहुल गांधी दिखाते हैं तो यहां पर भाजपाई नेताओं को दिक्कत है और यहां पर इस तरीके की बातें अब यहां पर की जाने लगी है, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। भाजपा को चुनाव में करारा जवाब दोस्तों दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चलें। जी हाँ दोस्तों, एक चौंकाने वाली अपडेट आ रही है। सदन में पारित प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार नहीं, बीजेपी ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। आखिर मामला क्या है बताते चले। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने
यहाँ पर सदन के द्वारा पारित विशेष दर्जे के प्रस्ताव को वापस लेने या पद छोड़ने की भाजपा की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव को वापस लेने का अधिकार उनके पास में नहीं है। अगर भाजपा को उन पर भरोसा नहीं है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष ने भाजपा को नारेबाजी के लिए भी जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है और कहा है कि जो भी नारे लगाना चाहता है वो सदन के बाहर चला जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दौरान जबरदस्त तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में मारपीट भी देखने को मिली है विधानसभा के अंदर। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है। इसके साथ ही आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की यात्रा होने जा रही है शुरू। जी हाँ दोस्तों, पदयात्रा निकाली जाएगी जो कि राजघाट से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी की ये पदयात्रा विधानसभा चुनाव को लेकर के निकाली जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर पुनर्जीवित करने के लिए निकाली जा रही है ताकि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर सके। आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है उससे भाजपा और आम आदमी पार्टी में खलबली मचना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन झोंकेगा पूरी ताकत। भाजपा हारेगी सभी सीटें, बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर लगाएगा पूरी ताकत। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ में केजरीवाल भी कर सकते हैं रैली। प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन अगले सप्ताह चुनाव प्रचार को धार देगा। प्रदेश में 2 से 3 संयुक्त रैली कराने की तैयारी है। इसके जरिए उपचुनाव में एकजुटता का संदेश देने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन सपा ने सिर्फ 2 सीटें देने की ही घोषणा की। और यहां पर आखिर में यह तय किया गया राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में कि समाजवादी सभी जो पार्टी है वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को यहां पर पूर्ण समर्थन दे दिया और सपा ने ऐसे प्रत्याशी उतार दिए जिससे कि भाजपा में खलबली मच गई है। दोस्तों, पूरी तरह से भाजपा बैकफुट पर है। इसके कारण भाजपा को चुनाव तक आगे बढ़वाना पड़ गया है, क्योंकि भाजपा को जो फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार 9 में से 7 सीटें भाजपा खुले तौर पर हारती हुई नजर आ रही है। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि 9 की 9 सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जो कि अपडेट आ रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे लेख के बाद कई उद्योगपति मुझे बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ मंत्री उन्हें फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि उद्योगपतियों पर दबाव डाला जा रहा है कि सरकार की तारीफ सोशल मीडिया पर आकर के करें और पीएम मोदी का गुणगान करें। ये राहुल गांधी ने बड़ा दावा दोस्तों किया है। इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।